हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपकी मिस्टर टीचर आपका मैथ्स का आगे का वीडियो लेकर आ गई हूँ। हम लोग अभी इस टाइम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं लेसन 2, जिसमें समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। पिछले 2 से 3 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा, समांतर रेखाएँ क्या होती हैं, उसको कैसे दिखाया जाता है, उसके बाद तिर्यक रेखा क्या होती है, कैसे समांतर रेखाओं पर कैसे ये समांतर रेखाएं होती हैं और कैसे उसकी उसको क्रॉस करने वाली रेखा जो होती है वो तिर्यक रेखा होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से समांतर और तिर्यक रेखाओं के बीच में कितने प्रकार के कोणों यानी एंगल्स का निर्माण होता है, वो कौन कौन से होते हैं। संगत कोण था, संगत कोण में कितने पेयर्स बनते हैं। अंतः कोण जो था वो किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच जो ये अंदर के भाग में इंटरनल साइड में जो एंगल्स बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं अंत। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एकांतर कोण क्या होते हैं। एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर कोण की जोड़ियां तथा वाय एकांतर कोण की जोड़ियां, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अंतः एकांतर कोण की जोड़ियां और वाय एकांतर कोण की जोड़ियां, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। फिर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जो कि नोटबुक पे एक्सप्लेन किया था, प्रैक्टिस सेट 1.2.1, और उसके बाद हम लोग जो है आगे के वीडियो में बातें हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट होने के बाद अब देखेंगे कि हमारे बुक में क्या दिया हुआ है। हमारे बुक में दिया हुआ है कि दो समांतर रेखाओं तथा तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण तथा उनके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाई 2 पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। तो जब दो जो है समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्रॉस करती, तिर्यक रेखा जाती है, तो उसमें जो कोणों का निर्माण होता है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे ये देखो दो डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम ए है और दूसरा डायग्राम बी दिया हुआ है। डायग्राम ए में देखो एक पैरेलल लाइन ये और एक ये और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन ये, यानी कि दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा बनाया हुआ है। तो जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कि इस डायग्राम में किन किन कोणों के भाग हूबहू मिलते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन, मतलब पैरेलल लाइन है और ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, तिर्यक रेखा है। इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसके बाद ये अंदर का भाग ई है और इसके बाद ये एफ है, जी है, एच है, इस तरीके से इसके नाम दिए हुए हैं। तो ये कौन कौन से भाग हूबहू सी मिलते हैं और जो भाग हूबहू मिलते हैं एकदम एक जैसे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्वांगसम एंगल कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोण है ऐसे हैं जो सर्वांगसम हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में क्या दिया है, क्या यहाँ पे एंगल, चलो हम ड्रॉ करते हैं। एक ये हो गया एक पैरेलल लाइन जिसको ए लाइन क्रॉस करती है, ठीक है, इसका नाम ए हो गया, ये बी सी और डी, दिख रहा है आपको। यहाँ पे 4 एंगल बने हुए हैं। एक सेकेंड, ये कुछ बड़ा हो गया, फिर से ड्रॉ करते हैं या जूम कर देते हैं, आप इसी में देखिए, जूम करके देखेंगे। ये ऐसे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब एंगल क्या है बी और एंगल डी कहाँ पर है, एंगल बी, एंगल डी और एंगल एफ और एंगल एच, यहाँ पर देखिए एंगल बी, एंगल डी, एंगल एफ और एंगल एच, ये जो 4 एंगल हैं ये सिमिलर है। देखो यहाँ पे जो ये एंगल, ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इसका जितना मान होगा वो बी का डी से सिमिलर दिख रहा है, वैसे ही एच और एंगल एफ ये दोनों भी क्या है अपोजिट हैं और सिमिलर जैसे दिख रहे हैं। तो इसीलिए इसको आपके बुक में कैसे दिखाया गया है, देखिए एंगल बी, एंगल डी, एंगल एफ और एंगल जी, ये सारे क्या हैं सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट यानी कि एकदम समान है एक दूसरे के, सभी अंग क्या हैं समान हो यानी सर्वांगसम हो। इसको इस साइन से इंडिकेट करते हैं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, इक्वल के ऊपर एक ऐसे, इक्वल एकदम जैसे हैं, हूबहू मिलते हैं तो उसको सर्वांगसम बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसी तरह से एंगल जो है एंगल बी,
एंगल डी, एंगल एफ और एंगल एच, ये चारों एंगल क्या हैं, एक दूसरे से हूबहू मिल रहे हैं, यानी कि सर्वांग सम है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी ई और जी, इसका जस्ट दूसरे साइड का ए सी ई और जी, ये जो चार एंगल है ये दो चारों आपस में क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि एंगल ए सर्वांग सम है एंगल किसके, एंगल सी के, और ये एंगल सी जो है सर्वांग सम है एंगल ई के, और एंगल ई सर्वांग सम है ये इसके आगे रहेगा एंगल जी के, तो ये चारों क्या है आपस में सर्वांग सम है। तो इसके पहले मैंने जो बताया था, ये एंगल देखिए ए, और ये एंगल जो ए वाला है, और ये सी, और ये ई, और ये जी, ये चारों एंगल क्या हैं आपस में हूबहू मिलते हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है। तो हम ये इतनी बातें अभी जान गए, अब हम आगे देखते हैं कि इन चारों चार चार मतलब आठ एंगल में से चार एक दूसरे के बराबर हैं और चार बाकी के चार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी सर्वांग सम है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, इसमें पॉइंट्स क्या क्या निकल के आते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, जूम कर देते हैं, देखिए एंगल जो ए है वो एंगल ई और एंगल बी एंगल एफ, देखिए यहाँ पर एंगल ए ये वाला एंगल ए और एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई, और इधर क्या है एंगल बी और एंगल एफ, ये जो चार एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी ई और एफ, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है ए ई बी एफ और सी जी, इसमें हम पहले क्या देखेंगे एस पेयर्स देखेंगे। मैंने बताया था कि संगत कोणों की कौन कौन सी जोड़ियाँ होती हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है, पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है संगत कोणों की जोड़ियाँ में कि एंगल ए और एंगल ई के सर्वांग सम है। तो एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये हमारा तिर्यक रेखा हो गया पैरेलल लाइन पर, ये एंगल ए किसके सर्वांग सम होगा, एंगल ई के, इस एंगल के सर्वांग सम होगा, यानी कि एंगल ए सर्वांग सम हो जाएगा एंगल ई के, ठीक है। उसके बाद एंगल बी एंगल एफ के सर्वांग सम हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल बी जो है ये वाला एंगल बी, एंगल बी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये सॉरी सी है, सबका नाम लिखते हैं, ये एफ है और ये जी है। तो ये सारे एंगल में एंगल ए ई के सर्वांग सम हो गया, एंगल जो बी है वो एंगल एफ के सर्वांग सम हो गया, एंगल बी सर्वांग सम हो गया एंगल एफ के, वो कैसे हो गया, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है बी है और ये एंगल एफ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी एंगल एफ के सर्वांग सम हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कौन सा एंगल किसके सर्वांग सम है, इसके बाद एंगल सी एंगल जी के और एंगल डी एच के, एंगल जो सी है यहाँ पे देखते हैं एंगल ये जो सी है वो एंगल जी के सर्वांग सम होता है, मतलब इससे मिलता है, और एंगल एफ जो है बी के, एंगल एफ बी के हो जाएगा, एंगल ए ई के हो जाएगा, एंगल डी एंगल एच के हो जाएगा, यानी कि टोटल आठ पेयर्स हमें मिलते हैं। ये आठों पेयर्स यहाँ पे देखो बना के दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि एंगल ए, यहाँ पे देखिए एंगल ए किस तरीके से सर्वांग सम है एंगल ई के, फिर एंगल जो है पी, ये एंगल बी किसके सर्वांग सम है एंगल एफ के, फिर एंगल जो है सी यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा एंगल सी सर्वांग सम है एंगल जी के, यहाँ पर है। इसके बाद क्या है एंगल डी यहाँ पर है जो सर्वांग सम एंगल एच के। तो इस तरीके से हमें चार पेयर यानी कि टोटल एट जो है
एंगल यहाँ पे एक दूसरे के सर्वांगसम कॉन्ग्रेंट दिखते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम आते हैं कि अंतः एकांतर कोण की जोड़ियाँ। मैंने बताया था इसके लास्ट लेक्चर में अंतः एकांतर कोण की जोड़ियाँ वो भी क्या होती है, सर्वांगसम, या कि जो मान एंगल इनका होगा, जो सर्वांगसम होते हैं मतलब एक का जो मान होगा सेम दूसरे का भी वही मान होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल जो है डी एफ के और ई सी के सर्वांगसम है। क्या दिया हुआ है, एंगल डी अंतः एकांतर कोण, यानी कि ये जो एंगल है, सॉरी ये रहा, जूम कर देते हैं आपके लिए, आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो एंगल डी है वो एंगल एफ के सर्वांगसम होगा, और ये जो एंगल सी है वो एंगल ई के सर्वांगसम होगा। इस तरीके से ये दो एंगल क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। मैंने बताया था अंतः एकांतर कोण में क्या होता है, ये जो जेड का फॉर्म होता है, ये जो अंदर के साइड जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम अंतः एकांतर कोण होता है और ये सर्वांगसम होते हैं। इसी तरीके से जब हम उल्टा जेड बनाते हैं इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल यानी कि सी और ई, ये क्या होते हैं, वह एकांतर कोण होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो हमारा ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि एंगल ए, एंगल जी और बी और एच, ये वाह एकांतर कोण, मैंने थर्ड पॉइंट भी बता दिया वाह एकांतर कोण। अब जो मेजरमेंट डी का हमेशा मेजरमेंट ई के को ऐड करने पर, जोड़ने पर क्या होता है, 180 डिग्री यानी कि संपूरक होता है या कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो कैसे होती है, एंगल जो है डी ई और एम एफ कैसे होती है, आगे हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं, कैसे एंगल डी, ये देखिए ये एंगल जो डी है, एंगल डी एंगल ई ये दोनों क्या होते हैं, इस ये एंगल डी मेजरमेंट मतलब एम मतलब मेजरमेंट प्लस एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 180 के इक्वल आती है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो ये क्या होते हैं, यानी कि ये संपूरक होते हैं इन दोनों को जब, क्योंकि ये देखेंगे ये एक सीधी लाइन पर है, और सीधी लाइन क्या होती है, हमेशा 180 डिग्री का कोण क्या करती है, बनाती है, फॉर्म करती है। तो यहाँ पे ये सीधी लाइन है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये सीधी लाइन ही बनेगी, जो तिर्यक रेखा दिख रही है यहाँ पर पैरेलल लाइन के ऊपर। तो वहाँ पे इसका ऐड करने पर इसका सम जो होता है वो 180 होता है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला देखेंगे कि एंगल एम, एंगल जो एम एम नहीं सॉरी मेजरमेंट ऑफ सी एंड मेजरमेंट ऑफ एफ, मेजरमेंट ऑफ सी यहाँ पे देखिए, मेजरमेंट ऑफ सी ये है, मेजरमेंट ऑफ सी और मेजरमेंट ऑफ एफ, ये जो अंदर के साइड दोनों एंगल अंतर कोण दिए हुए हैं, इन दोनों को भी जब हम ऐड करेंगे तो इसकी भी वैल्यू, तो लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, 180 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हो गया कैसे हम इनकी एंगलों की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो कैसे एक दूसरे को अंतर कोणों की जोड़ियों का योग क्या होता है, और अंतर कोण एकांतर कोणों की जोड़ियाँ कौन कौन सी होती है, उसमें कौन आपस में सर्वांगसम होती है, ये हमने देखा है। दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे पेन और नोटबुक लेकर आप लोगों को नहीं एक्सप्लेन करूँ, मैं डिस्प्ले यानी स्क्रीन पर ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आएगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पे देखिए हम पहला पॉइंट देखेंगे, संगत कोणों का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ करेस्पोंडिंग एंगल्स। तो संगत कोणों का गुणधर्म क्या दिया हुआ है, संगत कोणों का गुणधर्म है संगत कोणों का क्या गुणधर्म, यहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइन दी हुई है, एक पैरेलल लाइन दी हुई है पी क्यू लाइन है जो कि पैरेलल है लाइन आर एस के। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है पी क्यू लाइन पैरेलल है रेखा पी क्यू पैरेलल है रेखा आर एस के, जिसपे की एक तिर्यक रेखा बनी हुई है जिसका नाम है ए बी, जो दो बिंदु पर एम बिंदु और एन बिंदु पर क्या करती है, काटती है। तो ये क्या होती है, एक पैरेलल लाइन यानी कि सर्वांगसम संगत रेखा
सॉरी समांतर रेखा है, और समांतर रेखा पे तिर्यक रेखा पे तो कैसे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें कौन कौन से एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए एम पी, एंगल यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो एंगल ए एम पी, जो एंगल ए एम पी होता है वो सर्वांगसम हमेशा होता है एंगल एम एन आर के, यानी कि एंगल ए एम पी ये हमेशा सर्वांगसम होता है एंगल एम एन आर के। ये पहला पेयर हो गया, ऐसे ही टोटल 8 पेयर हमें मिलेंगे। तो ये पहला पेयर हो गया, ए एम पी हमेशा सर्वांगसम होता है एम एन आर के, ये पहला हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है पी एम एन, हमेशा हमेशा जो है सर्वांगसम होता है आर एन बी के, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे एंगल पी एन एन एम जो है वो सर्वांगसम है एंगल आर एन बी के, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दोनों एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं, ये करिस्पॉन्डिंग होते हैं यानी संगत कोण होते हैं, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं यानी कि तिर्यक रेखा के इस साइड आते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो एंगल देखेंगे ए एम क्यू, ये एंगल जो है हमेशा सर्वांगसम होगा ए एन एस के, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि एंगल ए एम क्यू सर्वांगसम है ए एन एस के। इसी तरीके से दूसरा क्या दिया है एंगल एम एन एस एम एम एन एस, ये सर्वांगसम है ए एम क्यू सर्वांगसम है एम एन एस के। सॉरी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक बार फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ए एम क्यू सर्वांगसम है एम एन एस के, तो लिख लेंगे ए एम क्यू सर्वांगसम हो जाएगा एंगल एम एन एस के। उसके बाद दूसरा पेयर हमें मिलेगा एंगल जो है एन क्या है एन एम क्यू सर्वांगसम होगा बी एन एस के, तो हम यहाँ पे इसको ये वाला जो एंगल है ये वाला है इसके सर्वांगसम होगा, यानी कि बी एन एस और एन एम क्यू क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। तो लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे हम एंगल एंगल बी एन एस और एंगल एन एम क्यू, तो एंगल बी एन एस जो है सर्वांगसम होगा एंगल किसके सर्वांगसम होगा एन एम क्यू के। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा सर्वांगसम एंगल्स यानी कि संगत कोणों की जोड़ियाँ। यहाँ पे देखिए ए एम क्यू एम एन एस के है, ए एम पी यहाँ पे मैंने एक बार छोटा करके दिखा देते हैं आपको कि क्या है पी, यहाँ पे देखिए कैसे मैंने जो बताया था पी एम एन जो है वो सर्वांगसम है आर एन एस के, किसके आर एन एस के, यही मैंने बताया था आपको। इसके बाद दूसरा क्या है क्यू एम एन जो है क्यू एम एन ये जो है सर्वांगसम है किसके सर्वांगसम है एस एन बी के, एस एन बी के मैंने दूसरा ये भी बताया था। इसके बाद ए एम पी यानी कि ए एम पी जो है सर्वांगसम है एम एन आर के, और इसी तरीके से जो है ए एम क्यू सर्वांगसम है किसके एम एन एस के, एम एन एस के ए एम क्यू एम एन एस के सर्वांगसम है, यानी कि ये चारों जोड़ियां हमने आपको दिखा दी एक्सप्लेन कर दी। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट एंगल पे, नेक्स्ट एंगल यानी कि दूसरा एकांतर कोणों का गुणधर्म क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एकांतर कोणों का क्या गुणधर्म होता है। अंत एकांतर कोण यानी कि जो जेड के आकार का बनता है, और वह एकांतर कोण यानी कि जो अपोजिट जेड के आकार का बनता है।
एकांतर त्रिकोण दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज आप अल्टरनेट एंगल्स में टू टाइप्स के एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, इंटीरियर इंटरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर इंटरनेट एंगल, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बता दिया था। तो इसमें कौन कौन से एंगल सर्वांगसम होते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंटीरियर यानी कि ये जो जेड का फॉर्मेशन होता है, इसमें ये एंगल और ये एंगल जो है ये इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यानी कि पी एम एन जो होता है सर्वांगसम किसके होता है, एम एन एस के। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके बुक में दिया हुआ है पी, ये देखिए पी, यहाँ पे एंगल पी एम एन किस, यानी कि एंगल पी एम एन हमेशा क्या होता है सर्वांगसम होता है एंगल एम एन एस के। तो लिख लेंगे एंगल एम एन और एस के। तो इस तरीके से ये पहला पेयर हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल यानी कि अंत एकांतर कोण। उसके बाद दूसरा पेयर हम क्या देखते हैं, दूसरा पेयर ये साइड होता है क्यू, क्या होता है क्यू एम एन, क्यू एम एन, क्यू एम एन, ये हमेशा क्या होता है किसके समांगसम का एम एन आर के, ये इसके होता है। ठीक है, क्यू एम एन जो है एंगल क्यू एम एन ये सर्वांगसम होता है एंगल एम एन आर के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दिखा लेते हैं। इसके बाद वाई एकांतर कोण की जोड़ियां में हम आते हैं, वाई एकांतर ए एम पी जो एंगल होता है, यहाँ पर देखिए एंगल ए एम, वाई एकांतर कोण ए एम पी हमेशा किसके सर्वांगसम होता है एन एस पी के। देख रहे हैं आप ए एम पी यानी कि वाई एकांतर कोण सर्वांगसम होता है किसके, एस एन बी यानी कि एस एन बी के। तो हम इसको यहाँ से यहाँ बस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल सर्वांगसम होगा इस एंगल के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाई एकांतर कोण का दूसरा जो ए ए एम क्यू जो होता है, दूसरा ए एम क्यू किसके सर्वांगसम होता है आर एन बी के। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ए एम क्यू सर्वांगसम होगा आर एन बी के, यानी कि एक एक्सटीरियर इंटर अल्टरनेट एंगल का पेयर ये और ये है और दूसरा ये और ये है। तो इस तरीके से आप लोगों को चार एंगल्स एक्सटीरियर में होते हैं, चार कौन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसका पेयर इससे होता है और इसका पेयर इससे होता है। तो आप क्या करेंगे, ये वाह एकांतर कोण हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि अंतः कोणों के क्या गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, यानी कि जो माप करते हैं मेजर करते हैं उसका योग क्या होता है 180 होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कौन कौन से ऐसे कोण है जो 180 के होते हैं। तो पी एम एन और एम एन आर, पी यहाँ पे देखेंगे पी एम एन और एम एन आर, यानी कि ये एंगल एक बार ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल एंगल एम और एंगल एन, इन दोनों का जो मेजर होता है हमेशा कितना होता है 180 होता है। ऐसे ही इसके अपोजिट साइड में क्या होता है क्यू एम एन एंगल क्यू एम एन और एंगल एम एन एस, ये एंगल ये भी क्या होते हैं एक दूसरे से 180 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से एंगल जो क्या होते हैं एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं और किसका किसका मेजर 180 डिग्री का होता है। अब इसी पे बेस्ड हम अगला क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ईजी और सिंपल है, मैं इसको सॉल्व करने के लिए नोटबुक और पेन का यूज़ करूँगी और आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। ये कई मेथड से सॉल्व होता है, आपको जो ईजी पड़ेगा मैं सबसे सिंपल और सबसे ईजी मेथड आपके सामने लेकर आऊँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके लेकर आएंगे अगला वीडियो। तब तक के लिए बाय।